दोस्तों यहाँ पर एक रसल भाई पर घुसा है, हमारा बस ये न्यूज आया था, सूचना आया था, हम लोग यहाँ पर रेस्क्यू करने निकला है और जहाँ पर ये सांप घुसा हुआ ये देख रहे हैं बहुत ज्यादा कचरा है और सामान रखा हुआ है, पुराना घर हमेशा अपडेट नहीं हो पाता, शायद इसमें रहते हम कम होंगे, इसके कारण हम लोग यहाँ रेस्क्यू करेंगे। आप सब बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जिस तरह फूका रहा आप सुन सकते हैं, ये रसल वाइपर का साउंड है और ये बहुत ही खतरनाक सांप है, भारत का मोस्ट वेनमस स्नेक है, जैसे कि आप अक्सर हम लोग वीडियो में देखते हैं। ये रसल वाइपर जो है ये भारत का सबसे मोस्ट वेनमस, ये हीमोटॉक्सिन होता है और ये अगर बाइट कर ले आप तुरंत जो है इसको डॉक्टर के पास जाए और इसका जो है ट्रीटमेंट स्नेक एंटी वेनम जो सांप के जहर से बनाया जाता है उसी से ही इलाज करें, ना कि झाड़ फूक का चक्कर में जाए। दोस्तों अभी लॉकडाउन के कारण जो है हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि वीडियो जो है बनाना अभी बहुत दिक्कत है, इसलिए कि जहां पर हम लोग रेस्क्यू करने जाते हैं वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ हो जाता है और वो भीड़ होने का कारण जो है ये बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, और हम लोग कितना भी हम लोग पब्लिक को क्यों ना हम लोग बताए लेकिन पब्लिक वहां पर भीड़ इकट्ठा हो ही जाता है और उससे दिक्कत हो सकते हैं हम लोग को। और ये सरकार की तरफ से ये लॉकडाउन जो पूरे देश में किया गया है उसके कारण जो हम लोग चाहे तो उस लॉकडाउन के कारण हम लोग घर में रहे और जो कोरोना वायरस है उससे हम लोग बचे, लेकिन अभी हम लोग कहीं भी रेस्क्यू करने जाने का कोशिश करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो, इसलिए हम लोग अभी जिसके घर में सांप ये निकला है हम लोग उनको बोल दिए थे कि भीड़ नहीं जुटाना है, ताकि भीड़ जुटाने के बाद हम लोग को दिक्कत हो जाए, हम लोग सांप नहीं रेस्क्यू करने जाएँ। ये अभी रेस्क्यू कर रहे हैं, बने रहे सांप। रसल भाई दोस्तों, ये रसल वाइपर देख रहे हैं आप, और ये शायद स्केल केचू छोड़ने के लिए आया हुआ था, इसका बॉडी में चारों तरफ केचू लगा हुआ है, हम लोग इसको निकालेंगे, बने रहिए दोस्तों। दोस्तों ये देख रहे हैं रसल वाइपर है, और ये रसल वाइपर आप देख रहे हैं स्केल छोड़ रहा है, इसका बॉडी में देखिए स्केल लटका हुआ है, देख रहे हैं आप आधा इसका निकला हुआ है और इसीलिए इसका डार्क कलर हो गया है। बबी राय गवार साहब है पीछे 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 आपका। हाँ क्या हुआ, काट लिया है बाबीदा? अरे भाई बाल्टी लाए, इसी में डाल दी, इसी में डाल दीजिए, काट लिया? अरे बाबीदा, अरे बाबीदा क्या करना, नहीं इसको भी खाती, बाप रे इतना बड़ा था आपका, बाप रे। अभी हम लोग जहाँ पर सांप पकड़ने के लिए गए थे वहाँ काटा आप लोग देखे हैं, ये गलती मेरा नहीं है और सांप का भी गलती नहीं, गलती ये हुआ कि जिस जगह में हम लोग सांप रेस्क्यू कर रहे थे ये एक बीसीसीएल का क्वार्टर था और बहुत ज़्यादा कचरा था,
और उस जगह में एक हम रसल वाइपर ऑलरेडी पकड़ लिए थे जो केचुल अपना स्केल उतर रहा था, और उसी समय में जस्ट उसका पीछे में और एक सांप था। हमारा कैमरामैन जैसे ही देखा बोला बापी दा सांप है, हम जैसे घूमे उतना देर में हम पैसे जैसे पैर को हिलाए वहाँ पीछे में फटाक से सांप बाइट कर लिया रसल वाइपर। तो दोस्तों जैसे कि अभी देख रहे हैं कि आपको पसीना हो जाता है रसल वाइपर काटने या कोई भी सांप, क्योंकि आप ज्यादा बहुत ज्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, आपका हाइपर टेंशन बढ़ता है। और अभी हम लोग बहुत स्पीड से गाड़ी हम ड्राइव कर रहे हैं और हम लोग जितना जल्दी हो सके घर जाएंगे और इसका ट्रीटमेंट शुरू करें घर में। घर में टोटल मेरा हर चीज ऑलरेडी रेडी है, हम लोग जाएंगे एंटी वेनम शुरू करें, स्टार्टिंग करेंगे। और आप सभी को अनुरोध है कि आप सभी दुआ करें जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आपके बीच में फिर से हम आएंगे, फिर से आपको रेस्क्यू करेंगे और आपको इंसान को बचाने के जो हम लोग कार्य करते हो करते रहेंगे। दोस्तों